नताशा। हैप्पी फादर्स डे पापा। बेटा तुम्हारा गिफ्ट तो मुझे बाहर ही मिल गया सुबह सुबह। दो ही भाई, कमाल है। आज फादर्स डे है, बेटी गिफ्ट लेके खड़ी है और तुम। अरे जरा सा शीशा टूटा है तो क्या हो गया? कर दे माफ इसको। पापा गलती मेरी भी नहीं थी, मैं तो बस। एक मिनट बेटा, मैं बात करता हूँ। इधर आ। जी। देख बेटा, ये बेचारी सीधे सीधे चौराहे की तरफ जा रही थी, देखती है कि अचानक सामने से आती हुई गाड़ी ने पता नहीं क्या सोचकर राइट में मोड़ लिया। अब राइट से आने वाली एसयूवी ने उससे बचने के लिए की करके फट से हमारी तरफ मोड़ लिया, तो इसने सोचा अपनी गाड़ी को बचाया जाए और ये लेफ्ट में मुड़ने लगी। अब जैसे ही लेफ्ट में मुड़ना चाह रही थी, देखा कि उधर से तेज रफ्तार मोटरसाइकिल चली आ रही है और इधर से की करके ये गाड़ी आ रही है, इधर से फट 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 करके मोटरसाइकिल आ रही है, इधर से फिर राइट से वो आ रही है, इधर से फिर फट फट करके लेफ्ट राइट किधर जाऊं किधर ना जाऊं। अचानक मैंने सोचा कि लेफ्ट राइट को मारो गोली और मैंने ब्रेक लगाई। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही मैंने भी सर पे हाथ मारा था। पापा मैं दादू को ड्राइविंग सिखा रही थी। बस उसी वक्त वो समझ गया। चलिए पापा आइए। कहाँ? जब आपको पता चला था कि आपके स्कूटर की हेडलाइट मुझसे ही टूटी थी तो क्या किया था आपने? क्या मतलब दूसरी साइड का मिरर भी टूट जाए तो चलेगा ना? पापा सीट बेल्ट। रिश्ते चाहे बदल जाए, उनके ख्याल रखने की आदत नहीं बदलती। धीरे धीरे क्लच छोड़िए। मैं कुछ नहीं कह रहा, नर्वस कर रहा है मुझे। अच्छा चलो अभी तू देख। हाँ ठीक है। देखा मैंने कहा था। लेफ्ट 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 लेफ्ट। एको इंश्योरेंस। हैप्पी फादर्स डे।